सो वेलकम टू टुडेज क्लास। आपकी ये क्लास जो है ये अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में होगी। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो ताकि आपको समझ में आसानी से आए। चीजें बहुत सिंपल तरीके से शुरू करेंगे क्योंकि ये पूरा एकदम स्टार्टिंग का क्लास है, पहला क्लास है। तो आई विल ट्राई नॉट टू बर्डन यू विथ फैक्ट्स। बहुत अंग्रेजी हो गई, लेट अस गो। पहला चीज तो मुझे बताओ कि पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस क्यों बोलते हैं? चैट मत करना प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस क्यों बोलते हैं? लाइक पॉलिटिकल, जब आप टेंथ तक थे तो सोशल स्टडीज बोल रहे थे, फिर अचानक से पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल स्टडीज बोल देते। क्योंकि मैम हम लोग ना हम लोग क्या, एक मिनट, हम लोग सोसाइटी का पॉलिटिकल मतलब उसका साइंस पढ़ते हैं। तो पहले भी तो साइंस ही पढ़ रहे थे टेंथ तक की, उससे पहले मतलब पहले भी तो पॉलिटिकल साइंस ही बोलते थे, सोशल स्टडीज तो फाइव में खत्म कर दी। अच्छा, तो साइंटिफिक क्या है पॉलिटिक्स के बारे में? अगर आप सबको लग रहा है कि बच्चे के पीछे से आवाज आ रही है तो वो रेलगाड़ी के पास है, तो नहीं, वो पंखे की आवाज है। आगे, हाँ What is scientific about politics? There's science का मतलब तो होता है कि आप experiment कर रहे हैं lab में, you are combining few elements, trying to test out result, figuring out कि जा earth का core move ही नहीं कर रहा है अब, या फिर you are trying to find antimatter or you are trying to find speed of light, wind, whatever. ये तो scientific है। अब politics में ऐसा scientific क्या है? The basic concept of political science. Ma'am, in politics, we inquire the causes and effect. So that is why that is what we experiment, and also we test. We make a hypothesis. We test that, and then we falsify if the hypothesis and if it is wrong. वेरी गुड। तो साइंटिफिक का मतलब ये नहीं होता है कि आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साइंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल मतलब जैसे आप हैं, राइट? आप कहीं पे भी इंसान जो है, अगर आप इंसान हैं, राइट, तो टेक्निकली सबको दो आंख, एक नाक, दो कान, एक मुंह, सबको हर जगह ऐसे ही मतलब होता है ना, इफ यू लुक एट इट इन अ वेरी सुपरफिशियल वे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जाइएगा चिले या फिर लाटविया तो वहां किसी को एक ही आंख है या दो ही नाक है या ऐसा कुछ नहीं है। इट इज यूनिवर्सल एवरीवेयर। उसी तरीके से अगर इंडिया में पत्थर पाए जा रहे हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे ही पत्थर नहीं, लेकिन अलग अलग टाइप के, लेकिन पत्थर पाए जा रहे हैं, पेड़ पाए जा रहे हैं, वैसा है। पॉलिटिक्स भी यूनिवर्सल है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ पावर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। किस तरीके से पावर का यूज करता है सरकार टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस इन अ पॉपुलेशन, यानी उनके खुद के स्टेट के अंदर। अब हर जगह कोई ना कोई सरकार तो होगी, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो यूके का, या फिर वो आपका रिपब्लिक हो जैसे फ्रांस है, या फिर वो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, ऑस्ट्रेलिया, यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर जगह वो पावर का अपना यूसेज करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में। सब जगह पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सब जगह आपका कोई ना कोई, द हाउस इज डिवाइडेड, या तो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों होंगे, या फिर वन हाउस होगा, या वहां पे हो सकता है कि गवर्नेंस के लिए दे हैव मोनार्की या फिर दे हैव रॉयल फैमिली और डेमोक्रेसी, लेकिन गवर्नेंस के लिए कुछ तो होगा। ये सारी चीजें जो हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए इसको ये साइंटिफिक बनाया जाता है, इसीलिए इसको साइंटिफिक। पब्लिक पॉलिसी किस तरीके से बनती है? पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मोदी अंकल ने बंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जो 118 किलोमीटर लंबी है। अब आप बैंगलोर से मैसूर 75 मिनट्स में पहुंच जाओगे।
ये एक एक्सप्रेस वे है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंट्रोल में बना है, ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। इसी तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके अलग अलग एक्सप्रेस वेज हाईवेज वहां की हाईवे अथॉरिटी बनाती है फॉर इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, कॉरपोरेशंस बनते हैं, तो ऑल ऑफ इट इज अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट अ डर्टी वर्ड जो नॉर्मली व्हेन वी एसोसिएटेड विद कि अच्छा ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है ना, बाप रे। नो 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 नो, जब भी मतलब मेरी मम्मी हमेशा हमको डांट दे, जब भी हम किसी का कंप्लेन लेके जाए तो मम्मी हमको डांट दे, बोले कि अरे तुम तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, यू शुड नो। आई एम लाइक हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज द कनेक्शन, ब्ला ब्ला। तो द पॉइंट इज कि आपका जो पॉलिटिक्स होता है इट इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, इवन इन ट्राइब्स इट इज प्रेजेंट, इवन इन द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज इट इज प्रेजेंट, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब लेट अस गो कि ये जो बुक है जो जिसका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, तो अगर आप ये मैप देखेंगे तो जस्ट लुक एट वट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एक्चुअली, देयर वाज नथिंग लाइक इंडिया बिफोर 15th of August, और उसका भी मैं कहानी आपको बताऊंगी। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हियर राजपूताना एरिया है, ये हैदराबाद है, ये मैसूर है, इस तरफ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ हमारा बिहार है, और ये सारा आपके इधर कश्मीर है। इस तरीके से इट वॉज प्री पार्टीशन, यानी पार्टीशन से पहले। पार्टीशन से पहले अभी क्यों, मतलब भाई इज 15th of March इम्पोर्टेंट। 15th of March 1950 को प्लानिंग कमीशन आपका फॉर्मली बना था, राइट। आज का दिन जो है कंज्यूमर राइट अवेयरनेस डे के लिए भी बहुत फेमस है। इसके साथ 12 मार्च, कोई बता सकता है कि 12 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में? बारह मार्च को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से फॉर 24 days टू गो टू दांडी 1930 में। तो दिस वॉज समवेयर इन दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, गुजरात एज सच कुछ वहां अलग उस समय था नहीं। तो वाई इज इट इम्पोर्टेंट आज? अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच जो लाइन है मैकमोहन लाइन, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया कि इट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री। यूएस में एक दे हैड व्हाट डू यू से रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया। आई एम लाइक थैंक यू, बट द पॉइंट इज कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लुक एट मैप्स? इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट मैप्स बिकॉज If you do not understand maps, अब देखो maps समझना भी एक कला है, cartography is the art of making maps, but maps समझना भी एक कला है because until unless you know your geography, आगे जाके आप UPSC का exam दोगे तो आपके state के बारे में, उसके history के बारे में बहुत सारी चीजें questions आपसे पूछा जाएगा specifically, so you should know about your state, you should know about the geography। यहाँ मैं state बोल रही हूँ तो federal state की बात कर रही हूँ, I'm not talking about the देश, the country। तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे समय के साथ there are two kinds of evolution that take place। पहला evolution है समय के साथ, which is temporal। temporal का मतलब होता है समय के साथ जो evolution होता है, यहाँ फंस जाएंगे आप देखना। और दूसरा होता है spatial। spatial का मतलब होता है जगह का। जैसे आज मैं गई व्हाट डू यू से JNU आफ्टर यू नो लॉन्ग टाइम, तो व्हेन आई वेंट तो आई कुड परसीव समय के साथ कैसे वो 1000 acre का कैंपस चेंज हुआ है, स्पेस में क्या क्या नया हॉस्टल बना है, क्या क्या नया आर्किटेक्चर बना है, क्या क्या नया मूर्ति बना है। स्पेस किस तरीके से, स्पेस मतलब ये नहीं है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं कि आई नीड स्पेस, ब्रह्मांड का मतलब भी नहीं है ये, इट इज स्पेस मतलब रीजन। तो हिस्ट्री आपको समय के साथ और स्पेस का एवोल्यूशन दोनों मैप्स के थ्रू ही बताती है। इफ यू आर अ वेरी गुड रीडर ऑफ मैप,
then you will understand the impact of partition better. एक लाइन खींचने से कैसे नस्ल डिवाइड हो गए, लोग माइग्रेट हो गए, रिफ्यूजीज बन गए. क्या 14 या 15 अगस्त 1947 को लोगों को पता था कि आर दे इन इंडिया और पाकिस्तान? नो दे डिडंट. इमेजिन द काइंड ऑफ एलियनेशन, एक तरीके का एक एलियनेशन आपको होगा जब आपको पता ही नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन यू आर और वेयर आर यू द सिटीजन ऑफ. हम कितने कागज पत्तर अपने जिंदगी में पूरा इकट्ठा करते रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे आपके सिटीजनशिप, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ है ना. इमेजिन कि वो सब रद्द हो गए, कोई जगह नहीं है जहां पे आप सेफ गार्ड कर सके अपने आप को. देर इज वायलेंस, देर इज जेंडर बेस्ड वायलेंस. सडनली आप जिस सोसाइटी में रह रहे थे, जहां पे आप जिस कॉलोनी में जहां बसे हुए थे, वहां पे सारे लोग आपके पराये हो जाते हैं. यू जस्ट डोंट रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ दैट सोसाइटी एनीमोर. ये समय के साथ भी हुआ और स्पेस में भी हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि एक लाइन खिंच गई. लाइन कहाँ खिंची? मैप में. दैट इज वाई यू शुड नो why maps are important. Every map tells a story. Every map. 1947 जब partition हुआ इंडिया का, तो ब्रिटिश इंडिया में दो बहुत ही ब्रिटिश के लिए बहुत ही चैलेंजिंग एरियाज थे. एक था पंजाब, दूसरा था बंगाल. पंजाब में जालियांवाला बाग हुआ 1919 में. जालियांवाला बाग होने से पहले ड्यूनो वहां पे पंजाब के पठान और सिखों को केजेस में रखा जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू इवन लुक अप एंड लुक एट द ब्रिटिश बाबूज. उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा. They were not allowed to do that. Cages में बंद रखा जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता किसी को भी. जालियांवाला बाग was just a peaceful demonstration. Demonstration भी नहीं था वो, it was a gathering. आप जाइएगा अमृतसर, आप देखिएगा गोल्डन टेम्पल के जस्ट बगल में है, वहां पे एक कुआं है. जब फायरिंग शुरू हुई तो कितने लोग उस कुएं में कूद गए टू सेव themselves फ्रॉम द बुलेट. Was it the first time when British were doing like this? No. If you go to the history of how United States of America was made, British ne Boston mein yahi cheez kiya tha. Boston jo aapke East Coast mein hai, Boston Massacre ke naam se wo jana jata hai. 1700s mein kiya tha. Aise logon ko khada karke mara tha. They repeated history. तो 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या हुआ? क्या बंगाल, बंगाल गॉट पनिश्ड नॉट थ्रू पुटिंग पीपल इन द केजेस बट बाय क्रिएटिंग अ फैमिन इन 1943, जिसमें इतने सारे लोग मरे. अमर्त्य सेन जो है हमारे इकोनॉमिस्ट जो हु वाज बोर्न इन 1933 एंड उनको भारत रत्न मिला है एंड एवरीथिंग, ही सेड कि फैमिन जो है हमेशा कंट्रोल किया जा सकता है. इट इज अ फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स. आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए रिसोर्सेज, इज द फेलियर ऑफ इट. चाहते तो वो कंट्रोल हो सकता था. तो दोनों साइड को कंट्रोल करने का अपना अपैरेटस बना के रखा था ब्रिटिश ने. एंड लुक हाउ क्लेवर इट वाज दैट दे डिवाइडेड बोथ ऑफ इट. एक जगह से उनको उनके लैंग्वेज में मिलिटेंट रेवोल्यूशन मिलता था विच वाज पंजाब, और एक तरफ से उनको इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रेवोल्यूशन मिलता था विच वाज बंगाल.
12 मिलियन मुस्लिम सिख्स हिंदूज दे हैड टू फ्लेड देयर होम्स जो भी उस एरिया में थे एंड वायलेंस वाज परपेट्रेटेड. अब वायलेंस जो कम्युनल वायलेंस है उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा एक नैरेटिव लिखा हुआ है. किसने लिखा है? एक फ्रांस फैनन. फ्रांस फैनन नाम का एक साइकियाट्रिस्ट था. ही वॉज बॉर्न इन करीबियन आइलैंड सेंट मार्टिनिक आइलैंड जो फ्रांस के कॉलोनी थी. देन ही वेंट टू स्टडी साइकियाट्री फ्रॉम फ्रांस और उसका पहला एक्सपीरियंस ऑफ रेसिज्म वॉज कि वो बस में ट्रेवल कर रहा था पेरिस में एंड ही वॉज इन हिज 20s और एक छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची उसको देख के चिल्लाने लगी. शी गॉट स्केर्ड. तब उसको मतलब वो हकबका रह गया. उसको समझ में नहीं आई क्या बच्चा क्यों चिल्ला वाई. देन ही अंडरस्टूड हाउ रैम्पेंट रेसिज्म वॉज इन फ्रांस. तो पहले जिनको भी मेंटली माना जाता था तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था. दैट वॉज अ मोड ऑफ ट्रीटमेंट. फ्रांस फैनन वॉज वन ऑफ दोज साइकेट्रिस्ट जिन्होंने बोला कि नहीं आप थेरेपी कीजिए और आप कल्चरल थेरेपी सेशंस कीजिए, इलेक्ट्रिक शॉक्स मत दीजिए. उसने ये रेवोल्यूशन लेके आया वो साइकेट्री में. अल्जीरिया जब फाइट किया अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में है, फ्रांस से फाइट किया, तो वहां पे फ्रांस फैनन ने भी मदद किया एज अ डॉक्टर. लेकिन क्यों मैं उसको क्यों लिंक कर रही हूँ कम्युनलिज्म से? क्योंकि उसने एक चीज बोली, उसने स्टडी किया स्लेवरी को, कोलोनियलिज्म को. उसने बोला कि आज के दिन फ्रांस फैनन की किताब फ्रांस में आज भी बैंड है. उसने फ्रांस के अगेंस्ट लिखा था ना, आज भी बैंड है, फ्रांस में नहीं मिलेगी. उसने 2 किताब लिखी थी, रेचर्ड ऑफ द अर्थ और ब्लैक स्किन वाइट मास्क. हो तो तुम ब्लैक स्किन लेकिन मास्क पहने हो वाइट का, राइट? तो उसमें एक चीज था जो उसने बोला था, विच वाज कि जब आप इंस्लेव्ड होते हैं, जब आपके ऊपर बहुत अब्यूज किया जाता है, जब आप कोलोनाइज सब्जेक्ट होते हैं, और सडनली यू आर इंडिपेंडेंट, आपके बॉडी में वो सब वायलेंस और ट्रॉमा स्टोर्ड है. अब आप अपने मास्टर को पनिश तो कर नहीं सकते हो क्योंकि एक मास्टर थोड़ी था, अनगिनत चेहरे थे दूर देश से आए हुए और वो अचानक चले जाते हैं. लेकिन वायलेंस तो बॉडी में स्टोर्ड है, वायलेंस कैसे निकलेगा? तो आप अपने ही भाई बंधुओं पे वो वायलेंस इन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दोगे क्योंकि वो वायलेंस और ट्रॉमा तो निकलेगा. And that is why there are communal rights. That is why there are क्योंकि इतना deeply वो hatred और violence store कर दिया गया है हमारे bodies में that it goes on for generations. ये wretched of the earth में Franz Fanon ने लिखा था. Bitter memories are very difficult to get rid of. को क्यों चूज किया पार्टीशन के लिए विंस्टन चर्चिल, जो अ वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर फॉर यूके, गांधी को नंगा फकीर बोलता था. डिड नॉट वॉन्ट इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट. विंस्टन चर्चिल एंड अदर्स अंडरस्टूड कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके का पावर कम हो गया. दे आर वीनिंग. Weaning मतलब they are धीरे धीरे गायब हो रहा. Winning नहीं, weaning. तो लॉर्ड माउंटबेटन को 1 साल के लिए भेजा गया इंडिया टू लुक ओवर द ट्रांजिशन 46 से 47. लॉर्ड माउंटबेटन आपके रॉयल फैमिली से यूके के उससे रिलेटेड भी थे. लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को और बाकी लोगों को ये सजेशन दिया कि 15 अगस्त को चूज करो, पाकिस्तान के लिए 14 और इंडिया के लिए 15.
क्यों 15 अगस्त क्यों? इट वॉज अ फसाड. वाई वॉज इट अ फसाड? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. सरेंडर डे ऑफ जापान. सो फॉर द वेस्टर्न पावर्स 15th August वॉज कंसिडर्ड टू बी अ विक्टोरियस डे. अब दे वॉन्टेड टू उस मास्क के पीछे उस डेट ऑफ हिस्ट्री को दे वॉन्टेड टू रिमेंबर फॉर देयर विक्ट्री एंड नॉट फॉर अ डिफीट दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट. इसीलिए 15 अगस्त को यूज किया. नहीं तो आपका मई या जून में भी हो सकता था, चीजें हो चुकी थी. लेकिन फिर नॉर्मल, जो नॉर्मल इन द सेंस, नॉर्मल इज द रॉन्ग वर्ड, बाकी के लोगों का क्या इस ट्रांजिशन में? दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट. ये एक मैसिव लिविंग हिस्ट्री है. जस्ट लुक एट दिस ट्रेन. मतलब बोगियों के अंदर लोग हैं, बोगियों के ऊपर लोग हैं. ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह लिखेंगे वो किताब, उसमें वो बताएंगे कैसे लाशें भरी हुई थी ट्रेन में. मोस्ट ऑफ द पीपल दीज विल डाई. एंड आप जस्ट लुक एट द इमेज. इमेज पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस में. You have to sit with the image. Just look at the image. यहाँ पे mostly आपको men दिख रहे हैं. Most of them are, if I can say, from the age of 20 to 45, 50. I don't see a lot of women. I don't see any woman. सब सफेद पहने हुए हैं. किसी का साइकिल है तो किसी का बोरा भर भर के सामान है. आप इमेजिन कीजिए कि पूरी जिंदगी एक बोरे में भर के यू आर रनिंग अवे, यू आर फोर्स टू रन अवे. कौतूहल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदा बचोगे नहीं बचोगे, कौन कहाँ क्या फैमिली मेंबर है किसी का, पूरा फैमिली बैठा हुआ है नहीं, तो भाग रहे हैं सब. अनसर्टनिटी है इसमें. कितने बच्चे होंगे हु नेवर लिव्ड देयर लाइव्स. ट्रॉमा, बिटरनेस, एक हताशा यू आर एबल टू सी फ्रॉम दिस इमेज. टू न्यू नेशंस बॉर्न इन इंडिया एज ब्रिटिश एंड 200 ईयर रूल. ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम न्यूज़पेपर में 14 अगस्त 1947 को छपा. किसने लिखा? पी डी शर्मा, यूनाइटेड प्रेस स्टाफ राइटर. यूनाइटेड प्रेस एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है. न्यूज एजेंसी और न्यूज़पेपर में क्या अंतर होता है? न्यूज़पेपर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. न्यूज एजेंसी होती है जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI, ANI, ये सारा, ये या रॉयटर्स, ये सब न्यूज़पेपर्स को आर्टिकल्स बेचते हैं. यू विल सी द सेम आर्टिकल इन मैनी न्यूज़पेपर्स. और उसमें आप देखिएगा कि बाईलाइन में, इसको बाईलाइन बोलते हैं, वो बाईलाइन में होगा वो फ्रॉम PTI या यूनाइटेड प्रेस या API या वैसा. न्यूज एजेंसी का काम होता है, क्योंकि हर जगह हर न्यूज़पेपर का तो जर्नलिस्ट हो नहीं सकता है. अभी इफ इंडिया इज पब्लिशिंग एनीथिंग ऑन यूक्रेन, तो इट विल नॉट हैव ऑल द जर्नलिस्ट इन यूक्रेन और रशिया. नो, तो वहां की जो न्यूज एजेंसी है वो जो बेचेगी उसको दे विल बाय एंड दे विल पब्लिश, राइट? तो टू न्यू नेशंस आर बोर्न इन इंडिया, बोर्न एज ब्रिटिश एंड 200 ईयर रूल. टू न्यू नेशंस बोर्न इन इंडिया, इज इट करेक्ट? इज द टर्म नेशन करेक्ट? It should be two new states and not in India. India was one of the states. ये New Delhi में इन्होंने लिखा है. कहाँ से लिखा है? New Delhi से लिखा है.
At the stroke of midnight last night, the British Raj died and the new nations of India and Pakistan were born. These are new states now, or nation states. They are not nations anymore. Nation imagination hota hai. Ab inko apna sovereignty mil chuka hai, apna independence mil gaya. These are states. A scant 12 hours after the last Viceroy, Viscount Mountbatten, formally handed over power to the new nation of Pakistan and the great new Hindu state of India. Look at the language. Beside its Muslim neighbor, Muslim is the jaise Ramzan hota hai, likhte Ramadan hai, Ahimsa hota hai, likhte Ahimsa hai. Muslim hota hai, to Muslim likhta hu. Anyway, Ganga hota hai, Ganges likhta hai. The ceremony for creation of India began just before midnight. Isiliye Nehru se stroke of the midnight hour ki 12 bajte hi. Right? It will reach a climax at 10 a.m. when Lord Mountbatten, riding in the Viceroy's ceremonial coach behind the 8 white horses, drive from Government House to the Assembly Hall and formally turns over the seals of office. Seals matlab mohar. Jo office ka mohar hota hai, he'll give away next day. Phir niche likha hai, communal rights continue. Against a background of violence and strife, which took a toll of 100 day. Ab isme koi data nahi bata raha, but bata raha ki aise Lahore, Amritsar, Calcutta, these are vantage points jahan pe ho raha hai. Gandhi began in 1919 their national anthem, Bande Mataram. Mr. Gandhi, bahut jagah, they don't use the term Gandhi ji. They use Gandhi. Because ji shows, respect when you talk. So in journalism, we don't use terms like G and all of that in order to stay neutral. Lekin ye vaise report neutral hai nahi, jaise ki aap par sakte hain. Mr. Gandhi, however, was not in New Delhi. Jab partition hua, he was in Calcutta. And wahan pe unhone पूरा देखा कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ और रिफ्यूजी क्राइसिस वहां पे भी क्रिएट हुआ. अ लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू ढाका एंड वाइस वर्सा. द असेंबली स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स इन द मेमोरी ऑफ द मार्टियर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, द थाउजेंड्स हु गेव देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल. Pandit Jawaharlal Nehru offered a resolution embodying the new oath of allegiance and dedicating the new nation to world peace and welfare of mankind. Humankind hona chahiye, but okay. Title mein galti hai. India ke andar 2 nations nahi bane the, British India ke andar bane the. India to khud ek nation tha. Yes, the nation state tha. Look at this image. Kya hai ye? Look at the level of poverty. Ye ek chhata hai, jisme koi bahut boodhi mahila ya fir purush ko log aise leke ja rahe hai. Ye tonga cart hai piche. India kab se जब भी इंडिया में, आपको पता है, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ तो इंटरनेशनल प्रेस उसको पब्लिश नहीं करता था बहुत ज्यादा. द फर्स्ट थिंग दैट दे पब्लिश्ड इंटरनेशनली न्यूयॉर्क टाइम्स के फर्स्ट पेज पे, इट वाज द डांडी मार्च, गांधी का डांडी मार्च. इट बिकेम अ मीडिया मोमेंट इन हिस्ट्री. People then started coming to know ki achha, there's some civil disobedience movement and all of that happening in British India. But just look at the level of poverty which is here. This is, I think,
कलकत्ता के साइड है या फिर बंगाल का साइड है. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कम्युनल रैट. पीपल आर फाइटिंग. जो कोई भी बाहर आएगा विल डाई. सड़कें खून से भरी पड़ी हैं. इट वॉज अ वेरी वायलेंट स्ट्रगल एंड इट कंटिन्यूड फॉर मंथ्स. दिस इज पुराना किला इन दिल्ली. ऑल योर हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे रेड फोर्ट, पुराना किला, ये सारे दे बिकेम रिफ्यूजी स्पेसेस. जहां पे रिफ्यूजी जो आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको शरणार्थी की तरह जगह मिले. Those who were able to land alive. Again, I see a lot of men. I don't see a lot of kids. I don't see a lot of women. What happened to them? खाना कौन खिलाएगा इनको? पानी कहां से पिएंगे? रहेंगे कैसे? Everything is chaotic right now. No one knows. And the violence is continuing. पुलिस का नंबर कम हो गया था इन कंट्रोलिंग वायलेंस बिकॉज इट वॉज सो वाइड स्प्रेड. यहां यू विल सी अ लॉट ऑफ वुमेन. ये क्या है? रिफ्यूजी कैंप्स हैं. जस्ट लुक एट इट. सारी औरतें कवर्ड हैं, बच्चों को गोद में ली हुई हैं. कुछ पुलिस के जवान हैं जो यहाँ सर्वेलेंस कर रहे हैं कि सब चीज ठीक रहे. एक टेंट में 10-15-20 लोग हैं. वो बहुत लकी थे जो माँ बच्चा साथ में रह पाए. नहीं तो काफी बच्चे अनाथ हो गए. काफी बच्चों को नहीं समझ में आया कि कौन कहाँ, माँ जिंदा भी है कि नहीं, परिवार जिंदा भी है कि नहीं. But this was not only happening in Punjab, it was also happening in Bengal. Dono sides. And uska focal point Delhi bhi tha. A lot of communal riots took place in Delhi also. Aapke Red Fort, India Gate, ye sabke samne. To ye makeshift camps hai, kab tak rahenge yahan pe? कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे लोगों को? जगह कैसे मिलेगी? लैंड कैसे मिलेगा? कैंप्स कैसे बनेगा? नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच दिया. अब नेहरू के बारे में यू शुड रिमेम्बर समथिंग. नेहरू वाज बोर्न इन अ कश्मीरी पंडित फैमिली. इनके फादर लॉयर थे, मोतीलाल नेहरू. अलाहाबाद में इनका घर था. नेहरू को होम स्कूलिंग किया गया. उसके बाद फिर 10th के इक्वालेंट 10th 11th के टाइम पे लंदन में हैरो स्कूल, वहां भेज दिया गया. वहां पढ़ाई की उन्होंने. हैरो स्कूल के पास में मैं रही थी. हैरो स्कूल के बाद फिर वो आई थिंक कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, उन्होंने से कहीं एक जगह गए थे. उनको लॉ पढ़ने का मन नहीं था. जबरदस्ती उनको लॉ और ये सब की वापस लौट के आओ, लॉ करना है तुमको, वैसा. ही केम बैक इन 1912. Gandhi comes back from South Africa in 1915. Nehru is younger when he comes back. Gandhi was 45 years old. Nehru was an international figure. उन्होंने जो लैटिन अमेरिका, यूरोप में कैपिटलिज्म के खिलाफ जितनी भी कोलिशंस बनी थी, he was a member of that. He was an international figure against imperialism. Most of his life he was jailed. कुछ चीजें याद रखने की हैं. पहला, इन्होंने जो ये speech दिया, he gave the speech in English. The speech was broadcasted on All India Radio in English.
नेहरू ऑलवेज यूज टू स्पीक इन इंग्लिश. अब देयर इज अ रीजन व्हाई, क्योंकि ये जो स्पीच था विच इज बीइंग स्पोकन बाय योर प्राइम मिनिस्टर हु विल कंटिन्यू टिल 1964, इट वॉज नॉट फॉर द इंडियन ऑडियंस, इट वॉज फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस, दैट इज बाय इंग्लिश लैंग्वेज. इंदिरा गांधी जब भी रेडियो पे बोलती थी वो हिंदी में बोलती थी. दिस वॉज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द डॉटर. वो हमेशा हिंदी में बोलती थी. नेहरू ऑलवेज यूज टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज हिज ऑडियंस वॉज, he was trying to create an identity for India in the global map. Constituent assembly aapka divide ho gaya. Constituent assembly banane ke liye agar pehle 399 log the to usme se 100-150 Pakistan chale gaye, baki ke bache India mein. Institutions divide ho gaye, raw divide ho gaya. Raw kaise bahut intelligent agents jo the aapke intelligence agents पाकिस्तान की तरफ चलेगा, ईस्ट या वेस्ट. पुलिस डिवाइड हो गया, तो आपके इंस्टीट्यूशंस भी फ्रैक्चर हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फ्रैक्चर हुआ. तो उन्होंने ये स्पेशल सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उस रात को लिया था 12 बजे, और उन्होंने फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रिस्ट का मतलब होता है जो दो लवर्स होते हैं तो छुपचाप मिलते हैं ना, वो छुप के मिलते हैं जो लवर्स, उसको कहते हैं ट्रिस्ट. तो इंडिया इज वन लवर एंड इंडियाज डेस्टिनी इज इट्स काउंटर पार्ट. तो इंडिया फाइनली वॉज एबल टू मीट इट्स डेस्टिनी, दैट इज वाई द टर्म ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया आपके 1800 से ही ये पेपर था. टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, ये सब 1800 के पेपर थे. फिर 1900 में आए आपके हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस और ये सब. तो बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम यहाँ पे है. द टाइटल कंपैरेटिवली इज करेक्ट. टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो, बेनेट कोलमैन वॉज अ ब्रिटिश, बेनेट एंड कोलमैन ब्रिटिश फंडर्स थे, ओनर्स थे. ट्रांजिशन फिर हुआ, इंडियन ओनर्स टाइम्स ऑफ इंडिया के बने. नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल, इनसेसेंट स्ट्राइविंग टास्क ऑफ फ्यूचर, फ्रेंजीड एंथुसियाज्म इन बॉम्बे, क्राउड्स इन फेस्टिव मूड, मे बॉम्बे प्रॉस्पर, स्टेट विजिट टू कराची. इसके साथ फिर आप एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे हैं ना यहाँ पे, चश्मे का और फ्रूट्स फर कारपेट का. एनीवे, वाइल्ड सीन्स ऑफ जुबिलेशन इन दिल्ली. आई एम सॉरी बट अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैव शोन कि दिल्ली वाज बर्निंग. जुबिलेशन का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस. फिर नया कैबिनेट बनेगा, बहुत सारी चीजें आपकी इससे पता चली. सरकार के पास दो गोल्स थे. पहले तो तुम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे लाओगे, क्योंकि प्रॉमिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किए हैं. और दूसरा, यू शुड हैव अ गवर्नमेंट जो गुड फॉर ऑल, स्पेशली द पुअर पीपल. 1951 में हमारा इलेक्शन हुआ पहली बार. इंडिया के मैक्सिमम लोग वे वेरी वेरी पुअर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दैट इज वाई जब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ये सारे जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, जैसे बीबीसी है यूके में, तो पीपल हैव टू पे अ लाइसेंस फी विच इज 155 या 157 पाउंड्स अ ईयर, रफली ट्रांसलेटिंग टू 16,000 रुपए. यूरोप में भी जितने भी पीएसपीज हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपके टैक्स के थ्रू जाता है, बट इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. इवन पाकिस्तान में इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. इंडिया में दे मेड इट फ्री ऑफ कॉस्ट. ये पब्लिक सर्विस के लिए पैसा नहीं लेंगे,
तो पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जमींदारी सिस्टम खत्म हो गई, अब लैंड रिफॉर्म शुरू होगा, जो गरीब डिसएडवांटेज लोग हैं उनका कैसे उत्थान किया जा सकता है। इंडिया ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके का होता है, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे लेट मी टेल यू व्हाट इट इज। जैसे ये चार किताबें हैं, एज यू कैन सी, एक जो किताब है दिस इज विनर ऑफ द बुकर प्राइज, एलेनोर ऑलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। दूसरा है इजराइल का राइट ऑफ सर्वाइवल, तीसरा है द फिक्शन स्टोरी, चौथा है रोमिला थापर का फ्रॉम लीनियंस टू स्टेज, पांचवा है अकबर का। अब ये अलग अलग मुद्दों के ऊपर ये किताब है कलेक्शन में, दैट इज इट। यूके में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन कि उसका अलग एक किताब होगा फॉर फाइनेंस, अलग किताब फॉर आर्मी कि सरकार कैसे आर्मी को यूटिलाइज करेगी, कैसे फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, अलग किताब फॉर मार्केट एंड मार्केट पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी, अलग किताब फॉर मल्टीकल्चरलिज्म, अलग किताब फॉर फॉरेन पॉलिसी। लिखा हुआ है मोस्टली, गलती करते हैं स्टूडेंट्स, उनको ये लगता है कि अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखित ही नहीं है। अरे सोचो, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं होता तो वो कैसे, आपका ट्रांजिशन कैसे होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन का, वो कैसे फिर इंडियन पिनल कोड 1860 में ले आते। अगर चीजें लिखित नहीं है तो वो पावर कैसे बन जाता। लिखित है लेकिन अलग अलग किताबों में लिखित है। लेकिन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन था कि एक ही मोटा सा किताब है, उसी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, मिलिट्री का अलग चैप्टर, फाइनेंस का अलग चैप्टर, फॉरेन पॉलिसी का अलग चैप्टर, मल्टीकल्चरलिज्म का अलग चैप्टर, इकोनॉमिक्स का अलग चैप्टर, लेकिन एक ही किताब में आपको सब मिलेंगे। तो इंडिया ने इसीलिए पी एन राव और अम्बेडकर ने डिसाइड किया कि we will not go for the British constitution as the model, we will go for the codified constitution of US. jo constituent assembly ka nirman hua ye french ke constituent assembly ke hisab se hua. bahut sare aapke countries ke kuch kuch jaise fundamental duties लिया या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट लिया, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट लिया, तो हर कंट्री को अंबेडकर ने एटलीस्ट 60 कंट्रीज पढ़ी थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरा ये डिस्कशन हुआ था। बी एन राव वाज वन ऑफ द यू नो वेरी बिग सपोर्टर्स ऑफ अंबेडकर। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो तो फिर आपको लीगल लैंग्वेज में लिखना है, तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए तो आपका लोअर हाउस और अपर हाउस कैसे बनेगा, लोकसभा राज्यसभा कैसे बनेगा, कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पॉलिटिकल पार्टीज कितने अलाउ करोगे कंट्री में, जितना मन। तो डिसाइड किया कि हाँ जितने बन सकते हैं वो अलाउ करेंगे। हमने यूएस का वो नहीं लिया कि टू पार्टी सिस्टम नहीं लिया, हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग लिया यूके का, डिफरेंट पार्टीज, भले ही वहां कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी मोस्टली रहती है लेकिन बहुत सारी पार्टियां, उनका एनवायरमेंट पे पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज हैं। इनके दो गोल्स थे, एक तो डेमोक्रेसी और दूसरा कि आप गरीब से गरीब लोगों की मदद कैसे करेंगे। तीन चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था कि आप कैसे इतना डाइवर्स है रिलीजन वाइज, एथनिसिटी नस्ल वाइज, लैंग्वेज वाइज, ट्राइबल वाइज, सबको अकोमोडेट कैसे करोगे। नेहरू वॉज एक्चुअली स्कैड। 1920s में जब कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ था तो नेहरू हैड प्रोमिस्ड एवरीवन कि जब इंडिया आजाद होगा तो हम
लैंग्वेज के लाइंस पे स्टेट्स को रिओर्गेनाइज करेंगे. जब इंडिया आजाद हुआ तो नेहरू गॉट स्केयर्ड बिकॉज ही वाज लाइक कि रिलीजन के नाम पे इतना पार्टीशन हो गया, अब लैंग्वेज के नाम पे ना हो जाए. देयर वर मैसिव एजिटेशंस, लोगों ने अपने आप को जलाया है. इन टुडे स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फाइटिंग फॉर देयर लैंग्वेज राइट्स. दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज राइट्स एंड लिंग्विस्टिक कॉन्शियसनेस. लोगों का कैसे अकोमोडेट करोगे? इतने प्रिंसली स्टेट्स हैं, बहुत सारे तो चाहेंगे नहीं इंडिया में बनना, अपना ही इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगे, दबा भी हैं. तो कैसे डाइवर्सिटी को सोसाइटी में कर पाओगे? इतना पहला चैलेंज. तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस थे फ्यूचर के बारे में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने, इनफैक्ट विंस्टन चर्चिल ने बोल दिया था कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा. इंडिया का साइज देख के बोल दिया था सस्टेन ही नहीं करेगा. एवरीवन वाज क्लियर कि इंडिया डिवाइड हो जाएगा, पार्टीशन के बाद खुद पार्टीशन हो जाएगा. तो इंडिया क्या यूनिफाइड कंट्री की तरह सर्वाइव कर पाएगा? पहला चैलेंज क्वेश्चन था. अगर सर्वाइव करता है तो व्हाट इज एट स्टेक, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट, द इमोशनल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट. ड्यूरिंग जस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडेमिक, जब शुरू हो रहा था पैंडेमिक, तो देयर वाज अ जॉब ऑफर दैट आई गॉट फ्रॉम यूएस. सो वन ऑफ माय मेंटर्स हु इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, She asked me that think about it from what is the cost, not the cost of, financial cost of shifting from Delhi and going to US. What is the emotional cost? You'll be away from your family. How will you start? It is a pandemic time starting. We don't know what it will be. It will be. What is the survival cost? What is the cultural cost that you will have to pay because you are from a different race? So I thought all of these things actually, ki emotional cost mera kya hoga, mera financial cost kya hoga, cultural cost kya hoga, and then I decided ki let us leave it. And then there was 2 years of pandemic. I was very thankful that I didn't invest my time in further going ahead with it. I couldn't. So, jab koi us position of not the prime minister or the cabinet or the president, they have to take care of the entire country. So, they have to take and think about the costs which are involved. Not the cost for people who are in power, but the people who are powerless. And you have paid already a lot of blood. और कितना कॉस्ट पे करोगे? क्या ये कॉस्ट होगा कि आप सारे रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटी को खत्म कर दोगे? जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशन है कि वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन स्टेट, तो आप बाकी डाइवर्सिटी खत्म कर दोगे? क्या ये कॉस्ट है? और सबसे बड़ा अर्जेंट क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन कैसे करोगे? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर कैसे इंटीग्रेट करोगे? गोवा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स. क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है ना कि चलो चलो पट्टी पिट्टी पिट्टी हम अपनी दोस्ती. नो, यू हैव टू, इट इज अ प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस विच टेक्स टाइम. तो हाउ विल यू क्रिएट योर मैप, हाउ विल यू क्रिएट योर आइडिया? दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का. डेमोक्रेसी जो अब्राहम लिंकन ने कॉन्सेप्ट दिया था, कब दिया था अब्राहम लिंकन ने ये? ऑफ, किसी को पता है? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. क्या कॉन्टेक्स्ट था उसमें दिया था? कॉन्टेक्स्ट ही बहुत ब्लडी है. किसी को पता है क्यों दिया था उसने वो कॉन्सेप्ट?
यूएस तो डेमोक्रेटिक 1776 में ही था. अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुआ. जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो ज्यादा डेवलप्ड थे, दे डिड नॉट वॉन्ट स्लेवरी. जो सदर्न स्टेट्स थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा वहां शुगर केन प्लांटेशन और बाकी चीजें थी. देवर मच मोर, टूटा कुछ मेरे घर में आज, देवर मच मोर बैकवर्ड और उनको स्लेवरी चाहिए थी. अ लॉट ऑफ देम वेर स्लेव ओनर्स. तो गेटिसबर्ग एक जगह है पेंसिल्वेनिया में जहां पे वॉर सिमेट्री थी, जहां पे बहुत लोग मरे थे, बहुत लाशें थी. वहां पे जाके अब्राहम लिंकन ने 1883 में बोला था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. क्योंकि उससे पहले तो स्लेव्स विमेन ऑल ऑफ देम वर नॉट अलाउड टू वोट इन द अमेरिकन डेमोक्रेसी. तो द एंटायर ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो हैज बीन वेरी ब्लडी, ब्लडशेड से घिरा हुआ. कभी भी कहीं रेवोल्यूशन होता है, नया ओरिजिन होता है, वहां ब्लडशेड होता ही है. कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फंडामेंटल राइट्स कैसे देगा, हर सिटीजन को कैसे देगा, इंडिया कैसे अपना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे. लेकिन ये कैसे अडॉप्ट करेगा, कैसे डिसाइड करेगा. और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना काफी नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है. बट दैट इज नॉट इनफ. आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? आपके पास बहुत ज्ञान है, डजंट मैटर. लेकिन अगर आप उस ज्ञान को बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझा नहीं सकते हो किसी को, इसका मतलब वो ज्ञान आपके पास नहीं है. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट. तो जो भी चीज लिखित है वो तो सिर्फ थ्योरी हो जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन. तीसरा चैलेंज था कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि सबका वेल बीइंग जो है सोसाइटी का, सिर्फ सब कुछ सेक्शंस का नहीं, सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है या मुस्लिम का हो रहा है. क्योंकि नेशनलिज्म के स्ट्रगल में तो सब फाइट किया ना, औरतें थे, बच्चे थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, जैन थे, सारे थे, बिल्ली भी लोग भी होंगी. तो द पॉइंट इज कि कैसे आप डेवलपमेंट यू विल इंश्योर कि सबको मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ बायस ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, ट्राइब्स, लैंग्वेज, नहीं हो नो बायस. तो इक्वालिटी कैसे दोगे और प्रोटेक्शन कैसे दोगे जो डिसएडवांटेज ग्रुप है? कोई भी भाषा जो लिखित नहीं होती है वो मर जाती है. हम अपना मदर टंग बोलते हैं हिंदी है, नहीं है, मेरी मदर का शायद मैथिली है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक मैथिली. अगर लैंग्वेज का स्क्रिप्ट नहीं होगा, द लैंग्वेज विल डाई इन फ्यू जनरेशंस. उसी तरीके से अगर लोगों का रिटन एविडेंस नहीं है उनके जिंदगी का, तो वो भी खत्म हो जाएगा. लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है जो रेफ्यूजी कैंप्स में है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे बनाओगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होता क्या है स्टेट पॉलिसी का? कैसे बनाओगे कि अच्छा क्या शेड्यूल्स हैं, ये सारी चीजें कैसे लेने की कोशिश करोगे फ्रॉम द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? दीज आर वेरी इजिली सेट देन डन. ये बहुत आसानी से बोला जाता है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल. और इतना है कि वो मिलियंस ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन बन रहा है. इट इज मैसिव पैरानोया. एजुकेशन कैसे दोगे, ये सारी चीजें. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट पार्टीशन का डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन कैसे हुआ, टू नेशन थ्योरी. ये बहुत सारे कंट्रीज के लिए टू नेशन थ्योरी यूज किया जाता है, आई विल टेल यू इन केस ऑफ इंडिया पाकिस्तान. फिर प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्या है पार्टीशन का, डिबेट्स क्या क्या है, चार प्रॉब्लम्स हैं, उन चारों प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे. कॉन्सिक्वेंसेज, रेफ्यूजी क्राइसिस, जेंडर बेस्ड वायलेंस किस तरीके से हो रहा है, राइट?
ये सारी चीजें, ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन क्या है, इसका आर्काइविंग, आर्काइव का मतलब क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, तो आगे का जो बुक का है आपका यहाँ तक हम पढ़ेंगे. सो दिस वॉज टूडेज क्लास.